जैसा इतने सालों से बर्थडे पे लगता है, आई थिंक कोई कितना भी बड़ा हो जाए, केक कटिंग इज समथिंग एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू। तो वैसे टेक्निकली जिंदगी का एक साल कम हो जाता है, बट यू आर वेरी एक्साइटेड टू वॉक इनटू द नेक्स्ट ईयर ऑफ आर लाइफ, सो इट्स रियली नाइस। एक्चुअली मेरा बर्थडे निकल चुका है, बट सेलिब्रेशन सेट पे थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने बर्थडे पे ट्रैवल कर रही थी। तो एक्चुअली अपना बर्थडे तो मैंने ट्रैवल करते हुए नॉर्थ ईस्ट में बिताया, सो अब तो शूटिंग का टाइम है, क्योंकि तब घूम लिए, भटक लिया, अब बैक टू वर्क, सो अब तो शूटिंग करके गुजारेंगे। देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे 20 साल पहले पूछा होता तो मैंने कुछ बहुत ही मोटिवेशनल सी स्पीच दी होती, बट आई थिंक एज आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हर साल अगर यू नो वी कैन जस्ट बी कंटेंट, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ वेरी सच्ची में, मतलब आई थिंक पैंडमिक ने भी हम सबको ये सिखाया है कि वी रियली नीड टू बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव। मतलब पैंडमिक था, अब हम क्या ही कर सकते थे, लेकिन अगर हम वो 2 साल चढ़ते रहते तो कैसे चलता। सो आई थिंक कंटेंटमेंट इज़ व्हाट आई कैन से, कि आप कुछ भी करें, मेहनत करें, आपका कभी फ़ायदा हो, कभी नुकसान हो, कभी आप सिर्फ चिल करें, कुछ ना करें, जिसे कहते हैं नथिंगनेस, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी कंटेंट। अगर आप कंटेंट होंगे तो ट्रस्ट मी, हैप्पीनेस फॉलो कर ही लेगी। मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपनी मॉम के साथ बिताती हूँ। मेरे लिए, मुझे नहीं लगता इस ज़िंदगी में, इस लाइफ टाइम में उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंसान होगा। सो एवरी स्पेशल डे इज़ माई मॉम एंड माई फैमिली एंड माई ब्रदर, बट ऑफ कोर्स मेरा भाई थोड़ा दूर रहता है, ही स्टेज़ इन द US, सो आई कॉन्ट स्पेंड दैट मच टाइम विद हिम, बट माई फैमिली दे स्कोर ओवर एवरीथिंग एल्स एंड एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। उनको मैं ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ, इंस्टा लाइव भी किया था मैंने, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला, ऑल द मैसेजेस एंड मीम्स ऑल्सो बीच में, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर ऑल्सो, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद रहता है, बिकॉज मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पर हर जगह अपना बर्थडे हाइड कर देती हूँ, तो उसके बावजूद आप लोगों को याद रहता है, सो थैंक यू सो मच। We'll be right back.